हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि वक्रता तिरछिया और फोकस दूरी क्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में। आप एक डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और पूरा का पूरा इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी जाकर के आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा। तो बने रहेंगे अंत तक। देखिए, तो इसमें सबसे पहले मैंने एक दर्पण जो है लिया है जो कि एक अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण में M और आपका ये M पॉइंट और यहाँ पर जो है ना M डैश जो है वो पॉइंट, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये एक अवतल दर्पण है जिसका नाम मैंने रखा है M और M डैश। M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसकी प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कौन है भाई, तो P और C। तो प्रधान अक्ष PC के समानांतर AB एक किरण आपतित होती है और परावर्तन के बाद F से होकर के वो गुजर जाती है। इसमें मैंने इस चीज़ को बताया है। इसके बाद एक अभिलंब है जो कि C से B को मिलाया और जो कि मिलाने के बाद ये अभिलंब का भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये आप अभिलंब जब बीच में डाला जाता है तो आप जानते हैं कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R, ये होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एक करके हम लिखेंगे क्या इसे प्रमाणित करने के लिए। तो वो उससे देखते हैं कि माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी, देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी के बारे में बताया गया है, पी है और उसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो सी है। देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या सी को बताया गया है। ए बी किरण जो है प्रधान अक्ष के समानांतर, देखिए यहाँ पर जो किरण को बताया गया ये ए बी किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर आती है। ए बी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से हम समझाते हैं इसको। ए बी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और आने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर के गुजर जाती है। देखिए ये एफ से होकर के जो है वो गुजर गई है यहाँ पर, अब एफ से होकर के गुजर जाती है, परावर्तन के बाद एफ से होकर के गुजरती है। साथ ही सी और बी को जो है मिलाया गया जो एक अभिलंब है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से तो एक चीज़ें स्पष्ट होगी यहाँ पर, वो क्या चीज़ें हैं, वो है आपका कि दो बिंदु को जो है आपस में मिलाया गया है वो है हमारा सी और बी। यहाँ पर सी बी को क्या किया गया है, मिलाया गया है जो अभिलंब है। अब यहाँ पर आपतन कोण जो है, आपतन कोण ए बी सी है और परावर्तन कोण जो है वो है सी बी एफ जिसको कि आर से सूचित करते हैं। अब माना कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी यहाँ पर देखते हैं पी एफ जो है वो फोकस दूरी है। यहाँ पर देखिएगा कि पी एफ जो है वो फोकस दूरी है, ये जो है वो फोकस दूरी है पी से लेकर के एफ तक की बीच की, पी एफ जो है वो फोकस दूरी है। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को यहाँ देखिएगा, वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है हमारा, जिसको कि यहाँ पर R, कैपिटल R से लिया गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें रिलेशन दिखाना है या सिद्ध करना है क्या है कि F इक्वल टू R बाई टू या रिलेशन दोनों के बीच में बतलाना है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ये बतानी है हमें। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है कि परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर जो है, कोण आई और कोण आर जो है वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू सी बी एफ, यहाँ पर देख सकते हैं इसके ए बी सी, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हमने किस बिंदु को ए बी और सी के बारे में बात किया, ए बी सी और सी बी एफ के बारे में, ये दो एंगल्स, ये दो एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। अब चूंकि दो लाइंस जो है वो पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी पी के, कैसे देखिएगा एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे हर एक बात को कि ए बी कौन है भाई, तो ए बी ये लाइन है और हमारा सी पी कौन सा लाइन है, ये लाइन है। ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, शुरुआत में ही हम लोगों ने इस बात को कह दिया। और पैरेलल लाइंस को यदि तीसरी कोई लाइंस जो है इस तरह से काटती है तो यहाँ पर के जो एंगल्स बनते हैं
वो एंगल्स यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं उसके बराबर होते हैं, उसे एकांतर कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। तो एकांतर कोण क्या हो गए भाई? बराबर हो गए। तो इसको मैंने पहले वालों का इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, दूसरे वाले का इक्वेशन टू मान लिया। अब देखिए दोनों में एंगल ए बी सी कॉमन है, इसमें भी ए बी सी कॉमन है और इसमें भी ए बी सी कॉमन है। तो ए बी सी जब कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल पी एफ बी बी सी एफ जो है आपस में बराबर हो गए। इस चीज़ को देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा जो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक गौर कीजिएगा कि एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा तो एक ट्रायंगल बन रहा है। एंगल पर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? बी सी एफ, ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो वो बात को भी यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया गया है कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए। अब आप इस दर्पण का द्वारक को छोटा कर दो, यदि आप ऐसा समझो कि ये जो यहाँ पर दर्पण है, ये जो द्वारक किसे कहते हैं, ये देखिएगा ये जो फेस है, इंटरफेस यहाँ से लेकर के यहाँ था इसका, तो ये अगर क्या कर दो द्वारक, मान लो कि ये छोटा हो, छोटा होने का मतलब क्या, इतनी छोटी आ जाए ऐसे करके, इतनी छोटी आ जाए या उससे भी छोटी, अगर आप द्वारक को मान लेते हो कि वो अगर छोटा हो जाए तो क्या होगा, तो होगा क्या कि बी बिंदु जो है वो पी बिंदु के काफ़ी निकट आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो कि एक बिंदु है वो हमारा क्या है, बी और हमारा पी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, काफ़ी निकट आ जाएंगे। इस चीज़ को देखिएगा, जब ये निकट आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या क्लियर करना चाह रहे हैं कि बी एफ बराबर जो है पी एफ हो जाएगा। अब ये बी एफ बराबर पी एफ कैसे हो गया भाई, जब ये बिंदु काफ़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाए तो बी एफ जो है, बी एफ जो है ये वो पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा दोनों, क्योंकि ये तो काफ़ी करीब आ गया इसके, इसलिए ये आपस में बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो उसको लिख सकते हैं आप। अब पुनः आप कंपेयर करते हो किसके साथ, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को, इसमें देखिएगा बी एफ दोनों में कॉमन है, तो दोनों का कॉमन से आप ऐसा लिख सकते हो कि एफ सी या सी एफ, यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया है कि सी को पहले कर दिया है, सी एफ बराबर मैंने कर दिया पी एफ, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यहीं पर समझने वाली बात है कि बताइए कि टोटल जो था, टोटल आप टोटल देखिए यहाँ पर कि यहाँ से लेकर के इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक कि बीच की दूरी जो है वो है सी पी, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सी एफ, सी एफ बराबर लिखा हुआ है एफ पी, तो हम सी एफ बराबर एफ पी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बीच वाला मिडिल पॉइंट है। तो आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर ये मिडिल पॉइंट है तो वहाँ पर आप इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा कर दें कि इसे इस तरह से लिखें, सी एफ को आप क्या लिख सकते हो, सी एफ का तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो सी पी माइनस पी एफ, आप ऐसा कर सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पर किया, वही मैंने किया सी पी माइनस पी एफ कर दिया। अब जैसे ही सी पी माइनस पी एफ किया, इस चीज़ को इधर लेकर के गया, पी एफ को मैंने दूसरी ओर लेकर के गया, तो टू पी एफ हो गया। सी एफ का वैल्यू आर है, जो कि हम लोगों ने पहले ही इंक्लूड किया, यहाँ पर मैंने छोटी आर लिख दिया है, आप यहाँ पर बड़ी करेंगे तो बड़ी आर इक्वल टू हो जाएगा टू एफ, ठीक है। और टू एफ जैसे ही हुआ तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आर, एफ इक्वल टू हो जाएगा आर बाई टू, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाई टू, आपका ये प्रमाणित हो गया और रिलेशन निकल गया हमारा कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, और वक्रता त्रिज्या हमेशा वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, और हमारा जो कह सकते हैं इस तरह से
कि वक्रता तिरछिया जो है दुगुनी होती है, तो फोकस दूरी जो है वक्रता तिरछिया की आधी होती है। इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।